नमस्कार, आप सभी के लिए आज बहुत ही एक जमीन पैरों तले जो जमीन है ना वो खिसकाने वाला ऐसी जानकारी है इस वीडियो में। तो ध्यान से जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि आपने सुना है नेचर इज चेंजफुल, यानी जो प्रकृति है वो बदलती रहती है, ये तो हमने देखा है, लेकिन क्या विश्वास भी बदलता है? इस वीडियो को देखने के बाद आपका विश्वास भी बदलेगा, क्योंकि इसमें जो टैगलाइन दिख रही ना थंबनेल में, जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, ये सही है। तो क्या अकबर की बहू थी जोधाबाई? ये सच। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो पुस्तकें चल रही हैं, केंद्रीय विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है किताबों के द्वारा, उसका सच आपके सामने और ये जो वंश बेल है वो हम ये इस नोट में लिखा है, उसको अपने हाथों से लिखा है, और वो वंश बेल से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा कौन किसका क्या था, तो ये विश्वास आज आपका बदल जाएगा कि जोधा अकबर, ये नाटक सुना है ना, देखा भी होगा। देखिएगा बात कब की है, जब आमेर, आमेर एक स्थान है, जगह है, आमेर का किला भी है जयपुर में, तो जयपुर के क्षेत्र का एक ये रजवाड़ा क्षेत्र है या राजशाही क्षेत्र है आमेर क्षेत्र। आमेर के राजा हुआ करते थे भारमल, भारमल के पुत्र भगवंत दास और पुत्री हरखाबाई, जिनकी शादी अकबर से होती है, और अकबर इनका नाम क्या कर देते हैं, मरियम उज्जमानी। ध्यान से, हरखाबाई भारमल की पुत्री हैं और इनकी विवाह या इनकी शादी अकबर से होती है, मरियम उज्जमानी इनका एक नाम और बदल करके रखते हैं नया नाम, और इनका भारमल का पुत्र भगवंत दास, क्लियर है, भगवंत दास। तो ये भाई बहन थे, और भगवंत दास का पुत्र हुआ मानसिंह। ये आपने मनसबदार सुना होगा, अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा आई थी, तो मनसबदार था ये, सेनापति था मानसिंह, ध्यान रखिएगा। और ये मानसिंह की बुआ हुई हरखाबाई, यानी फूफा हुए अकबर राजा, इतना क्लियर हुआ। और हरखाबाई यानी मरियम उज्जमानी से ही सलीम पैदा होते हैं, क्लियर है। हरखाबाई और अकबर का पुत्र सलीम, जो आगे चल करके इतिहास में जहांगीर के नाम से दर्ज हुआ है, क्लियर है। बगल में जो जोधपुर का वंशवेल हमने दे रखा है, यानी जोधपुर जो है वो भी राजस्थान में एक राजशाही क्षेत्र है, यहाँ अलग राजाओं का शासन चलता था। जोधपुर के राजा थे राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन जोधपुर के प्रताप कहे जाते हैं, ध्यान रखिए, यानी एक ताकतवर राजा था ये। और अकबर की सहायता से उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा भी कहते हैं, उदय सिंह जोधपुर का राजा बन जाता है राव चंद सिंह की मृत्यु के बाद, क्लियर है। तो उदय सिंह कहां के राजा हो गए, जोधपुर के। और उदय सिंह की पुत्री थी मानीबाई, कौन थी उदय सिंह की पुत्री, मानीबाई, ये आपको दिख रहा होगा, जिनका विवाह सलीम से होता है, ध्यान से देखिए, मानीबाई जिनका विवाह सलीम से होते हैं, जो जहांगीर कहलाते हैं। और जब इनका विवाह हो जाता है तो जहांगीर जगत गोसाई कहते हैं, यानी नया नाम दे देते हैं मानीबाई या मानबाई को, जगत गोसाई। और ये जोधपुर की राजकुमारी हैं, इसीलिए इन्हें जोधाबाई कहते हैं, ध्यान से। सलीम जिनकी पत्नी मानीबाई, उनका नाम है जगत गोसाई, और इन्हें जोधाबाई भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जोधपुर की राजकुमारी हैं। इनसे ही पुत्र होता है खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से जाने हैं इतिहास में, क्लियर है। अब देखिए गौर से, अकबर और हरखाबाई का पुत्र कौन है, सलीम, और पुत्र की पत्नी क्या होती है, बहू, तो ये क्या हुई, अकबर की बहू। और अकबर की कोई भी वाइफ जोधाबाई नहीं है, ध्यान रखिए, ये इतिहास में गलत तरीके से पेश किया जाता है, मिर्च मसाला लगा करके पेश किया जाता है, जनता को जो पसंद आता है वो परोस दिया जाता है। देखिएगा इसका प्रूफ, एक और लाइन यहां लिखी है, ध्यान से ये समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी का वो पेज हम दिखाते हैं। मानीबाई और सलीम ये पति पत्नी थे, लेकिन सलीम जो जहांगीर है, इनकी दूसरा विवाह भी होता है मेहरुन्निसा, यानी नूर जहां जिसे कहते हैं, तो दूसरी पत्नी सलीम की एक ये भी है, तो ये भी हमने लिख दिया है। अब वो पेज आपके सामने आ चुका है, क्लास 7th का है, एनसीईआरटी है, और पेज नंबर 50 है, आप देख सकते हैं। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, जहांगीर की माँ, जानी कौन हुई, जहांगीर की माँ कौन हुई, जो आपका अकबर की पत्नी, तो जहांगीर की माँ कछवाहा राजकुमारी थी, कछवाहा वंश था, भारमल जो राजा है वो कछवाहा वंश का था, उनकी राजकुमारी थी, यानी अंबर लिखा है, अंबर यानी आमेर, वर्तमान जयपुर, जो हमने बताया आपको, के राजपूत शासक की पुत्री थी, क्लियर हो गया इससे कि ये सत्य है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी कछवाहा की, जो आपकी हरखाबाई थी,
क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, शाहजहां की माँ यानी कौन, सलीम की पत्नी यानी जहांगीर की पत्नी, शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, यानी जोधपुर में कौन राठौड़ राजा थे उनकी राजकुमारी थी। राठौड़ कहते हैं जोधपुर को, मारवाड़ी या जोधपुर के शासक की पुत्री थी। तो यानी एनसीईआरटी से ये प्रूफ होता है कि आपका अकबर की पत्नी जोधा नहीं थी, अकबर की पत्नी हरखाबाई मरियम उज्जमानी जिनसे सलीम पैदा होते हैं, और सलीम की जो पत्नी हैं वो मानीबाई हैं, उनको ही हम जगत गोसाई नया नाम था और उनको जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण जोधाबाई कहते थे। तो आप सभी को जो पहले से क्लियर था जोधा अकबर नाटक देख देख कर कि जोधा अकबर की पत्नी हैं वो गलत है। इस वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों तक शेयर कीजिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, जिससे वो सत्य जानकारी अपने दिमाग में स्टोर कर सकें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अन्य जानकारियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।